एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड, होप यू आर सेफ। सो आज का जो ये वीडियो है ये मतलब ऑलरेडी प्री प्लान नहीं था। येस्टरडे आई वाज वाचिंग न्यूज़ एंड उसमें न्यूज़ में कुछ आ रहा था, सो आई थॉट के दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस टॉपिक टू मेक अ वीडियो ऑन, बिकॉज मुझे लगता है आप सब भी मेरे ओपिनियन से शायद एग्री करेंगे एंड टाइटल से आप समझ गए होंगे व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। सो एडुकेशन एंड कोरोना, दिस लॉकडाउन एंड एडुकेशन। सो हम सब ने सुना था कि न्यूज़ में आ रहा था कि स्कूल्स खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। तो व्हाट आई फील इज़ लाइक, सी ये जो अभी हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इतने लोग इससे ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं एंड बच्चों का तो इम्यून सिस्टम हम जानते ही हैं कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स लाइक अराउंड 9th class 10th class, बिकॉज हमने भी वो एज क्रॉस करी है एंड जैसे आप सब जानते हैं आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, आई एम डूइंग बीटेक। तो हम भी अभी लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं खुद को बचा पाऊँ ऐसी सिचुएशन से। सो मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ घर से, ज़्यादा तो क्या सिर्फ एक बार बाहर निकली हूँ पिछले 6 महीनों में से। तो स्कूल्स की जब हम बात करते हैं ना, सो वी ऑल नो कि हम कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का कह लें या फिर सैनिटाइजेशन का कह लें, बट बच्चों को होता है ना व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स, नॉट इवन बच्चों यार, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सो हमें जब होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई ध्यान रखेगा ही नहीं, नो वन इज़ गोइंग टू सी कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है, बिकॉज वी कैन नॉट सी। जैसे अब हमारे पेरेंट्स हैं वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ ऑफिस जा रहे हैं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रखेंगे बिकॉज दे आर मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर अभी हम बाहर देखते हैं तो बच्चे बाइक साइकिल स्कूटीज़ पर आराम से घूम रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। ओके, तो आई नो कि हम बाहर का खाना तो नहीं रोक सकते हैं बच्चों का, क्योंकि शॉप्स खोली हैं तो खाएंगे ऑफकोर्स, बट कभी ना कभी तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि वॉट इज़ गुड और नॉट। अब मैं सबसे कहती हूँ कि यार तुम बाहर क्यों निकल रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, फॉर यू ऑल एंड फॉर अस ऑल्सो। तो जैसे कब तक घर में रहेंगे, थक चुके हैं घर में रहकर। बट एक छोटी सी चीज़ है जो शायद हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अभी घर में रह लेंगे तो शायद आने वाले अगले 3-4 महीनों में हम बाहर आराम से निकल पाएँ, खुलकर निकल पाएँ। लेकिन अगर हम अभी घर में नहीं रहेंगे ये सोच के कि कितना घर में रह रहे हैं, तो शायद ये चीज़ को रुकने में, कोरोना को रुकने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। और जहाँ तक की बात रही स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, अगर वो खुले तो बच्चे ज़रूर आएंगे। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लाइक नॉट वी डोंट इवन टॉक अबाउट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, सो हम उनकी लाइफ को डेंजर में तो नहीं डाल सकते ना खुद की वजह से, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ इलाकों से आएंगे बच्चे, कहाँ रहते हैं, कहीं कंटेनमेंट जोन होगा तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन कुछ के पड़ोस में होगा, कुछ की गली में होगा, अपार्टमेंट्स में कहीं तो होगा ना, बिकॉज हम सब ने देखा है कि 10 में से 1 इंसान तो है ही है पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलना। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई ब्रदर, अगर बाय चांस मेरे भाई के स्कूल खुलेंगे, जो कि अभी बात हो रही थी खुलने की, बेशक एग्ज़ाम्स के लिए खुलें, बट आई डोंट फाइंड इट एट ऑल गुड टू सेंड हिम टू द स्कूल, बिकॉज मैं जानती हूँ कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये सब। एंड अगर मेरी भी बात होगी कि अगर मुझे कॉलेज जाना होगा, सो आई विल गो एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग जिससे कुछ ऐसा हो कि ना जाना पड़े, बिकॉज घर पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं। तो यू नो व्हाट आई वांट टू से इज़, एंड ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो अब आप सब कहेंगे कि कुछ इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं हो पा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, किसी के पास किसी के एरिया में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सो इसके लिए तो अब आप सब जानते हैं कि क्या ही हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, सो आई वोंट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक। एंड कल की बात है, हम लोग सब बैठकर टीवी देख रहे थे, तो वैसे तो होता है ना सबके घर में कि हाँ यही न्यूज़ चैनल देखना, सबका अपना पसंद का न्यूज़ चैनल होता है। लेकिन आजकल जैसा हम सब जानते हैं कि टीवी में बॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, सो बाकी कुछ और न्यूज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि दिन भर बॉलीवुड न्यूज़ चलती रहती हैं। इसलिए फिर वी वर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द चैनल्स एंड न्यूज़ 24 पर हमने देखा, देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए।
सो वहाँ पर देर वॉज दिस डॉक्टर फ्रॉम एम्स, यू नो हिंदी में लिखा था पूर्व समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, आई बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर बट एक्चुअली इट वॉज रिटन, बट काफ़ी सीनियर थे वो. एंड वो क्लिप मैं आपको वीडियो के एंड में डालूंगी ताकि आप लोग भी देखें कि डॉक्टर्स का क्या मानना है जो इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको एक्चुअली उनको पता है कि अभी क्या एक्चुअल सिनेरियो है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए. सो वो जब खुद बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है. अभी हम लोग काफ़ी लाइटली ले रहे हैं, हम लोग नहीं लाइक नॉट ऑल ऑफ अस बट कुछ लोग हैं जो काफ़ी लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को. मार्केट में घूम रहे हैं, बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं बाहर. अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स भी थे वो भी सारे ऑनलाइन मंगाए गए थे एक्सेप्ट वन और टू. एंड जहाँ तक बाहर के खाने की बात है तो वो तो भाई मार्च से लेके आज तक हमने एक बार भी नहीं खाया है. अब तो इतना हो गया है कि खुद से कुकिंग सीख ली है हमने इतनी अच्छी कि बाहर का खाने का मन ही नहीं करता है. तो आप देख रहे हैं हम लोग कितने प्रिकॉशन मेंटेन कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर हम किसी को आने नहीं देते हैं. आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मेरे डैड का इंस्टीट्यूट है, सो बच्चों का आना जाना लगा रहता है फॉर द फीस नोट्स ऑल दीज थिंग्स, लेकिन घर के अंदर हम किसी को नहीं आने देते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन रखते हैं. तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं, राइट. और कुछ टाइम की बात है, मैं तो बल्कि आप लोगों को मजाक लगा या मजाक में ही बोला था, बट बात काफ़ी मुझे सही लगी है मेरी ये बात कि अगर हम लोग 15 दिन के लिए भी सब लोग घर में बंद हो जाएं, कोई बाहर ना निकले, घर के बाहर ताले लगा देना, तब भी सिचुएशन काफ़ी 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 ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है. बट वी ऑल नो पॉसिबल नहीं है, आप सबको काम पर जाना होता है. बट देखिए कुछ की तो मजबूरी है कि बाहर जाना है, काम करना है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो तो घर पर रह सकते हैं, राइट. जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, काफ़ी लोग तो बल्कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं काफ़ी लोगों ने, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ सेफ एट ऑल, क्योंकि जब ऑनलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन की क्या ज़रूरत है. हम लोग अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, अपने हेल्थ के साथ हम कर रहे हैं ऐसे, और अपना ना सही तो उन बच्चों का सोचिए, वो बच्चे आगे चल के अपने घर में जाएंगे, घर में पता नहीं कितने एज के उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, और कुछ के क्या पता ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हों, वी डोंट नो ना. सो सबका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू नहीं करनी चाहिए. ऑनलाइन सबका सही चल रहा है, बस अगर नहीं भी चल रहा तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं. यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस, सो आई डोंट थिंक इफ ऑनलाइन क्लासेस आर बैड एट ऑल, बिकॉज चलो ठीक है माना कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. एक साल है अब पढ़ाई जो है हमारी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होगी आई गेस. एक साल अगर कुछ रुक जाएं हम लोग, आधा साल मतलब व्हाट आई थिंक इज़ लाइक जस्ट 2-3 मंथ्स मोर, अगर हम लोग ये सारे डिसीजंस नहीं लेते स्कूल खोलने के या फिर अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी. लाइक यही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई होप आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शंस में ड्रॉप करें, आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या आपके व्यूज़ मुझसे मैच करते हैं या नहीं करते हैं. एंड येस मैं न्यूज़ चैनल की मैंने रिकॉर्डिंग करी थी एंड मैं इस क्लिप के लास्ट में डालूंगी ज़रूर वो. ये बुद्धिमानी का काम नहीं है इस समय स्कूल कॉलेजेस को खोलना. हमने देखा अमेरिका में स्कूल खुले, 97,000 बच्चे जो अब तक बचे हुए थे कोविड से, 97,000 बच्चों को कोविड हो गया. अभी ये फॉर्चुनेट है कि इस पैंडेमिक में बच्चे बचे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कोई आसमान नहीं गिरेगा अगर ये जीरो ईयर भी हो जाता है, कोई आसमान नहीं गिरने वाला अगर बच्चा सही सलामत रहता है और स्वस्थ रहता है. वो एक साल की पढ़ाई कर लेगा, जैसे मार्च अप्रैल में 12वें का एग्जाम होगा, 10वें का एग्जाम होगा, वो जून में भी हो सकता है, वो जुलाई में भी हो सकता है आने वाले समय में. तो इसमें मैं तो चाहे हायर एजुकेशन की भी वही बात कहता हूँ और छोटी क्लासेस की भी वही बात कहता हूँ. आपने हायर एजुकेशन की बात की सर, मैं थोड़ा दर्शकों को जानकारी दे दूं, UGC ने नई गाइडलाइन जारी की है, और ये हायर एजुकेशन की जो आप बात कर रहे थे 31 अक्टूबर तक एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करना होगा,
एक नवंबर से सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे, कोई विंटर हॉलीडेज नहीं होंगी ताकि साल जाया ना जाए, वही वो एक बोगी जो है ना कि साल ना खराब हो जाए, तो एक नवंबर से वो प्रक्रिया शुरू करने के आदेश हो गए हैं। आपका एडमिशन का प्रोसेस 31 अक्टूबर तक खत्म कीजिए और क्लासेस शुरू कीजिए 1 नवंबर से। वो तो देखो ना, अभी कहा ना किसी ने कि आप कोर्स जो है वर्चुअल लेयरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कर लो, अभी इसी तरह से यूजीसी ने कह दिया वर्चुअल सारी मीटिंग्स हो रही है, फिर कह रहे हैं क्लासेस कर लो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी है, अभी दिवाली तक कुछ नहीं करना चाहिए, अभी ऐसे ही चलेगा। केसेस बढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा 3 दिन में केसेस थोड़े से कम होना शुरू हुए, ये नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन काफी क्लियर हो जाएगी कि हम पैंडेमिक पे किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। नहीं सर, पर इसमें देखिए आपके इस मामले में एजुकेशन के मामले में टेक्निकल आदमी नहीं है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर होगा क्या मेडिकल एजुकेशन तो है। हाँ नहीं, मेडिकल एजुकेशन इसमें और हम रोज इस बात पर चर्चा करते हैं कि भैया ये क्या ट्रेनिंग, हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी सर्जिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है इसमें। जो 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स भर्ती हो गए हैं उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जान रहेगी तो वो ट्रेनिंग भी आगे हो जाएगी। नहीं पर मुझे सर ये समझाइए डॉक्टर मिश्रा, अब स्कूल खुलने लगे कुछ दिनों बाद होगा कि नहीं स्कूल खुल गया आप स्कूल ही भेजिए, फिर वो दबाव भी आने लगेगा। नहीं नहीं ये भी तो होता है ना, खुलने चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए स्कूल, अभी दिवाली तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। बच्चों को स्वस्थ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये जो सुप्रिया जी कह रही थी ये ठीक बात है, लेकिन बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे और घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको इन्फेक्शन बिल्कुल होएगा, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक निर्णय तो सारी सरकारों को मिलके, चाहे प्रधानमंत्री इसके लिए मीटिंग बुला लें और चर्चा कर लें, लेकिन अभी फिलहाल दिवाली तक कोई स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी त्योहार आ रहे हैं और उसमें ही इतनी रिस्क एसेस हो रही है कि उसमें कितना लोग जाएंगे इधर उधर दशहरे में, दिवाली में, नवरात्रों में, और मंदिर खुल गए हैं, तो अभी ये बड़ा बुद्धिमानी का काम बिल्कुल नहीं होगा स्कूलों को खोलना, चाहे वो 9, 10, 11, 12 हो, चाहे पहली से 8वीं क्लास हो। पूरे दुनिया में इस बात पर चर्चाएं चल रही है और लोगों ने तरह तरह के मैकेनिज्म निकाले। तो आपकी सीधी राय है बिल्कुल बिना लार लपेट के डॉक्टर मिश्रा ने कहा है स्कूल नहीं खुलने चाहिए, और मैंने एक पिता होने की हैसियत में ये सवाल उनसे पूछा, एक पत्रकार की तरह नहीं, कि मैं अपने बच्चे को भेजूं, वो कह रहे हैं बिल्कुल मत भेजूं। प्रकाश है हमारे एक और दर्शक, राय So I hope you all enjoyed, not enjoyed the video, but thought that my views, my opinions are actually right. So see you all in my next coming up video. Till then, thank you so much. Goodbye.